हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं एक नए तरीके के नोज़ल को यूज़ करके आपके साथ एक बहुत ही इजी और ब्यूटीफुल से केक के डिज़ाइन को शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आप झटपट से इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहले तो फ्रेंड्स मैं नूर के R36 नोज़ल को यूज़ कर रही हूँ। उसके अंदर मैंने पिंक कलर की क्रीम को फिल कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने केक की आइसिंग पहले से ही की हुई है और अब सिलिकन के ब्रश से मैं इसके साइड में और इसके ऊपर ये पैटर्न बना दूंगी। आपको सिंपली टर्न टेबल को रोटेट करते रहना है। अब हम नूर के R36 नोज़ल को यूज़ करके इस केक के चारों तरफ फ्रेंड्स ये फ्लावर बनाएंगे। आपको पहले एक पेटल बनानी है यू शेप में और फिर उसी के पास में बाकी की पेटल्स बनानी है। मैं यहाँ पर 5 पेटल वाला ये फ्लावर बना रही हूँ पिंक कलर में। आप चाहें तो डिफरेंट कलर यूज़ करके ये फ्लावर बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक फ्लावर देखिए बन गया है। अब थोड़े से गैप में मैं एक और फ्लावर यहाँ पर बना रही हूँ। मेरे केक के साइज़ के हिसाब से फ्रेंड्स इसके ऊपर 5 फ्लावर ये बन जाएंगे, लेकिन अगर आपका केक बड़ा है तो आप ज़्यादा भी फ्लावर्स बना सकते हैं। तो देखिए, बराबर दूरी पर मैं ये सारे फ्लावर्स बनाती जा रही हूँ। आपको सिंपली यू बनाते हुए इन फ्लावर्स को बनाते जाना है और सिमेट्री का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। 5 पेटल अगर एक फ्लावर में आप बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए सभी फ्लावर्स के अंदर 5 ही पेटल्स बनाएं, जिससे कि सारे फ्लावर एक जैसे दिखेंगे। अब मैंने ग्रीन कलर की क्रीम को पाइपिंग बैग में भरा है और केवल उसमें उल्टा वी कट दिया है और यहाँ पर मैं फ्लावर के इस तरीके से साइड में एक एक लीव्स बना दूंगी। और जैसा मैंने पहले कहा, सिमेट्री का हमें ध्यान रखना है। जैसे हमने एक फ्लावर में लीव बनाई है, वैसे ही बाकी के फ्लावर्स में भी हम लीव बनाएंगे। और अब मैंने अपना नूर का R28 नोज़ल ले लिया है। ये मुझे फ्रेंड्स लोकल मार्केट में 50 रुपीज़ का मिला था। आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं 5 कट्स हैं फ्रेंड्स और उसी से 5 इक्वल साइज़ की पेटल्स निकलती हैं और इनसे मैं इन फ्लावर्स के बीच में छोटे छोटे फ्लावर्स बना रही हूँ, जो कि देखने में देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसे अगर हम पाइपिंग बैग से बनाते तो वो एक जैसे नहीं बनते, पर इस नोज़ल से बराबर के देखिए फ्लावर बने हैं। अब पिंक कलर की क्रीम से फ्रेंड्स मैं केक के नीचे ये पर्ल वाला बॉर्डर बना दूंगी। सिंपली आपको बराबर साइज़ में डॉट्स छोड़ते जाना है। बहुत ही सुंदर सा देखिए बॉर्डर बन जाएगा और इसमें कोई भी नोज़ल भी आपको नहीं चाहिए। और सेम इसी पाइपिंग बैग से फ्रेंड्स मैं छोटे छोटे फ्लावर्स और बना दूंगी केक की साइड में और केक के ऊपर। सिंपली आपको देखिए ये डॉट्स बनाने हैं, जिन्हें सेंटर में आपको लाना है। ये देखिए कितना प्यारा और अलग सा फ्लावर बन जाएगा। ऐसे ही मैं केक के चारों तरफ बना लेती हूँ और अब मैं केक के ऊपर भी ऐसे ही छोटे छोटे फ्लावर्स बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इस केक के डिज़ाइन को आप डिफरेंट कलर से ट्राई कर सकते हैं। मैंने तो इसे पिंक कलर में ट्राई किया है और देखने में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब इन छोटे छोटे फ्लावर्स के बीच में भी मैं वाइट कलर के ये छोटे छोटे फ्लावर्स बना देती हूँ। तो देखिए कितना प्यारा केक हमारा बन करके तैयार हुआ है। बहुत ही आसान है इसे बनाना और बहुत ही झटपट से ये बन जाता है। फ्रेंड्स, अभी अपने आगे आने वाले वीडियोस में मैं डिफरेंट डिफरेंट नोजल्स को यूज़ करके आपको मैरीगोल्ड, हिबिस्कस, रोज, ट्यूलिप्स और भी बहुत सारे फ्लावर्स बनाना सिखाऊंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में दिया गया बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो नया कोई पोस्ट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज का वीडियो, आज का डिज़ाइन, आज का मेथड पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग मेथड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।